आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, हमारा आज का सवाल है, अ शिप इज ट्रैवलिंग ड्यू ईस्ट एट 10 किलोमीटर पर आवर, अ शिप हेडिंग 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ इज ऑलवेज ड्यू नॉर्थ फ्रॉम द फर्स्ट शिप, द शिप ऑफ द स्पीड ऑफ द सेकंड शिप इन किलोमीटर पर आवर इज 20√2, 20 टाइम्स रूट 3/2, 20 या फिर 20/√2। ऑलराइट, देखिए क्वेश्चन में एक्चुअली है क्या कि लेट्स से ये शिप 1 है और ये शिप 2 है। ऑलराइट, ये किसी वेलोसिटी से जो कि है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ये शिप 1 ये शिप 2 है, ठीक है। तो ये 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये ईस्ट की तरफ जा रहा है और ये नॉर्थ की तरफ। अब अगर मैं इस शिप से देख रहा हूँ तो इसके करेस्पॉन्डिंग, शिप 1 के करेस्पॉन्डिंग वो केवल नॉर्थ में ही जा रहा है, लेकिन हमने देखा कि यहाँ पे उसकी रेफरेंस फ्रेम के करेस्पॉन्डिंग जो उसकी वेलोसिटी दे रखी है वी, इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद नॉर्थ। क्यू, क्योंकि इट इज मूविंग एट 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, तो इसका मतलब इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद नॉर्थ इन द ईस्टर्न डायरेक्शन। ऑलराइट, सो इसके करेस्पॉन्डिंग हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे ई डायरेक्शन में वो ई डायरेक्शन के साथ या फिर ईस्टर्न डायरेक्शन के साथ वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। और हमें ये भी इन्फॉर्मेशन दी गई दैट इट इज ऑलवेज ड्यू नॉर्थ फ्रॉम द फर्स्ट शिप। अगर मैं फर्स्ट शिप में बैठा हूँ और इसमें शिप 2 को देख रहा हूँ तो वो मेरे हिसाब से केवल और केवल नॉर्थ में जा रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि जब मैं इस पॉइंट पे हुआ तब वो इसी पॉइंट पे होगा, ठीक है, तो वो इस पॉइंट पे होगा तब भी वो नॉर्थ में ही जा रहा होगा, मतलब वो नॉर्थ में जा रहा होगा मेरे लिए, और फिर मैं इस पॉइंट पे पहुंचा तो वो उससे भी आगे लेकिन मेरे लिए तब भी वो नॉर्थ में ही जा रहा होगा। तो इसका मतलब ये है कि जितना मैं डिस्टेंस इस ई डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ उतना ही डिस्टेंस ये मूव कर रहा है, और डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम देखें तो मतलब ये रहेगा कि इस डायरेक्शन में, ईस्टर्न डायरेक्शन में शिप 1 की जितनी वेलोसिटी है शिप 2 की भी ईस्टर्न डायरेक्शन में उतनी ही वेलोसिटी रहेगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ दैट वी टाइम्स कॉस ऑफ 60 डिग्री इक्वल्स टू वी 1, ठीक है। वी 2 अगर हम इसकी स्पीड माने सो वी 2 टाइम्स कॉस ऑफ 60 डिग्री विल बी इक्वल टू वी 1। ऐसा क्यों? क्योंकि शिप 1 के करेस्पॉन्डिंग शिप 2 हमेशा नॉर्थ की तरफ जा रहा है, इसका मतलब जितना डिस्टेंस शिप 1 ईस्टर्न डायरेक्शन में मूव कर रहा है उतना ही डिस्टेंस शिप 2 भी कर रहा है। इसका मतलब इसकी वेलोसिटी, शिप 2 की वेलोसिटी इन द ईस्टर्न डायरेक्शन इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ शिप 1 इन ईस्टर्न डायरेक्शन। सो दिस इंप्लाइज दैट वी 2 कॉस 60 डिग्री विल बी इक्वल टू वी 1। सो वी 2 विल बी इक्वल टू व्हाट? कॉस 60 हमारे पास होता है हाफ, तो यहाँ से V2 हमारे पास क्या आ गया? ट्वाइस ऑफ V1, टू टाइम्स ऑफ V1 हमें कितना दे रखा है? 10 किलोमीटर पर आवर, तो हमारे पास ये आ गया 20 किलोमीटर पर आवर। ऑलराइट, सो द स्पीड ऑफ द सेकंड शिप इन किलोमीटर पर आवर इज 20। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन सी। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।